क्या पूरी दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है? कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन का युद्ध अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां पर अब तीसरे विश्व युद्ध से ही जंग का फैसला होगा। क्या नाटो के खिलाफ रूस कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है और क्या अमेरिका और रूस के बीच होगी आर पार की जंग? देखिए रिपोर्ट। पुतिन का वर्ल्ड वॉर 3 का आदेश, अब मरेगा अमेरिका और नेटो। अब ये बड़ी खबर नहीं है कि रूस यूक्रेन के बीच 916 दिन से जंग चल रही है। अब ये भी खबर नहीं है कि रूस यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दर्जन भर शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। अब खबर ये भी नहीं है कि यूक्रेन को अमेरिका और नेटो से वो घातक हथियार मिल चुके हैं जो रूस की राजधानी मॉस्को को तबाह कर सकते हैं। अब खबर ये है कि पुतिन तीसरा विश्व युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और बेलारूस को उन्होंने जंग में उतारना शुरू कर दिया है। अब सबसे बड़ी और खौफनाक खबर ये है कि रूस अब परमाणु जंग का पूरा मन बना चुका है, जिसकी वजह से अमेरिका के पेंटागन में बैठे टॉप जनरल तक भौचक्के हैं। राष्ट्रपति पुतिन अब तीसरा विश्व युद्ध करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध में हालात तेजी से बदल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका समेत नेटो के 32 देश अब यूक्रेन को जंग जिताने के चक्कर में आग से खेल रहे हैं। रूस पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उससे पुतिन को एहसास हो चुका है कि अब रूस को तीसरा विश्व युद्ध हर हाल में करना ही पड़ सकता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका को लताड़ते हुए कहा कि अगर कल विश्व युद्ध में यूरोप तबाह होता है तो उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कहा है कि यूक्रेन को अमेरिका और नेटो के इशारे पर बेहद घातक हथियार मिल रहे हैं और रूस इसे जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि रूस ने 26 और 27 अगस्त को यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कम से कम 8 इलाकों को निशाना बनाया है, लेकिन रूस को लगता है कि नेटो और अमेरिका उसे अंतहीन युद्ध में खींच रहे हैं। अब हम आपको एक एनिमेशन के जरिए समझाते हैं कि रूस नेटो और अमेरिका की किस हरकत के बाद बुरी तरह से भड़का है। जरा इस वीडियो को देखिए जिसमें राष्ट्रपति जेलेंस्की F-16 फाइटर जेट पर बैठे हुए हैं। जेलेंस्की F-16 को युद्ध में गेम चेंजर बता रहे हैं। अब आप वो एनिमेशन देखिए जिससे आपको पता चलेगा कि रूस आखिर क्यों अमेरिका और नेटो को अपना नंबर 1 दुश्मन मानने लगा है। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को मिले F-16 रूसी सेना के लिए काल साबित होने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर घातक मिसाइलों से पलटवार किया तो उसमें से कई मिसाइलों को F-16 फाइटर जेट ने मार गिराया। दावे यहां तक किए जा रहे हैं कि इसी वजह से रूस के कुर्स में रूसी सेना को भारी नुकसान भी हुआ। यूक्रेन को नेटो देशों से एडवांस F-16S जेट मिले हैं।
जो कि रूसी मिसाइलों को काउंटर करने के लिए जमकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। Нагнетание и еще один шаг к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Ну, пожалуйста. Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным, вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. रूस यूक्रेन के ताजा हमलों से ये भी साबित हुआ है कि स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइलें यूक्रेन रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरो ने कहा है कि अमेरिका को आग से खेलना बहुत भारी पड़ेगा। हालांकि अमेरिका और नेटो बार बार ये कह रहे हैं कि वो रूस के खिलाफ सीधी जंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि रूस के विदेश मंत्री का साफ कहना है कि ये ब्लैकमेल है, ये दिखावा करने का प्रयास है कि पश्चिम अत्यधिक तनाव से बचना चाहता है। अब हम एक बार फिर पुष्ट कर रहे हैं कि ये आग से खेल रहे हैं, बच्चे माचिस के साथ छोटे बच्चों की तरह खेल रहे हैं, बड़े चाचाओं और चाचियों के लिए एक बहुत ही खतरनाक बात है। 6 अगस्त 2024 से अब तक यूक्रेनी सेना ने अमेरिका और नेटो के हथियारों से भयंकर हमले रूस पर किए हैं। हमलों से बौखलाए पुतिन अब ये मान चुके हैं कि जब तक यूक्रेन को पूरी तरह से भस्म नहीं किया जाएगा, तब तक नेटो और अमेरिका इसी तरह से तिल तिल करके रूस को मारते रहेंगे। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क में जिस तरह से हमले किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। रूस को खुफिया एजेंटों से पता चला कि अमेरिका और नेटो यूक्रेन को वो हथियार या तो दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं, जिसके दम पर यूक्रेनी सेना रूस के मॉस्को तक भयंकर तबाही मचा देगी। इसी को ध्यान में रखकर रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर ऐसी परमाणु जंग की तैयारी की है जो नेटो और अमेरिका के होश उड़ा सकती है। своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, который, кстати, сейчас уточняется и о которой американским деятелям очень хорошо известно. Но это просто по Фрейду прорывается у них. Вы знаете, Третья мировая война – это плохо, потому что мы не хотим, чтобы пострадала Европа. Вот весь американский менталитет. Менталитет хозяина, который на том берегу сидит, убежден в своей безопасности. वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट से ये भी पता चला कि यूक्रेन को रूस के कुर्स्क और बाकी इलाकों में हमला करना बहुत भारी पड़ गया है। अब तक रूस की मिसाइलों और ड्रोन्स ने क्यू, विनिटेशिया, जीतोमिर, खमेलनित्स्की, दिनप्रो पोत्रोवस, पोल्तावा, निकोलेव, किरोवाग्राद और ओडेशा के इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन को निशाना बनाया गया। लुवो, इनावो, फ्रेंकोवस और खारकीव के गैस कंप्रेशर स्टेशन और गैस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को निशाना बनाया गया। इसके अलावा कीव और डेनप्रो पोत्रोवस्क इलाके के एयरफील्ड और हथियार डिपो को टारगेट किया गया। रूस ने दावा किया कि उसकी मिसाइलों और ड्रोन्स ने सटीक निशाना लगाया है। यूक्रेन के कम से कम दर्जन भर हथियार डिपो उड़ाए जा चुके हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यहां तक दावा किया कि यूक्रेन को कुर्स में काफी नुकसान हुआ है। 6 अगस्त से 27 अगस्त तक यूक्रेन के लगभग 6,600 सैनिक मारे गए या घायल हुए, जबकि यूक्रेन के 70 से अधिक टैंक नष्ट कर दिए गए हैं। попытка сделать вид, что Запад хочет избежать чрезмерной эскалации, но на самом деле это лукавство. Запад не хочет избежать эскалации, Запад, по-русски говоря, нарывается. रूस और बेलारूस का डबल अटैक शुरू। यूक्रेन के खूनी हमलों से भन्नाए पुतिन ने बेलारूस को भी जंग में उतार दिया है। दावा किया गया है कि इन हमलों से तिलमिलाए पुतिन ने अब नई रणनीति बनाई है। यूक्रेन के हमलों को रोकने के लिए पुतिन ने बेलारूस से मदद ली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन की सीमा पर भारी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की कतारें दिखी हैं। इनको सीमा पर ही इकट्ठा किया जा रहा है। सुरक्षा थिंक टैंक ने दावा किया है कि नए मोर्चे पर चुनौती देकर पुतिन अब यूक्रेनी सैनिकों को पीछे करने की कोशिश में लगे हैं। इधर यूक्रेन ने बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है और रूस को जंग में हराने का दावा किया है। Також головком доповів щодо операції в Курській області. Ми продовжуємо збільшувати територію нашого контролю
у визначених районах поряд з кордоном України. Сьогодні теж, як і щодня, є поповнення нашого обмінного фонду. बेलारूस और रूस की रणनीति बिल्कुल साफ है। यूक्रेन पर पूरी तरह से काबू करने के बाद नेटो, अमेरिका और यूरोप के देशों पर सीधा हमला। द सन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने बेलारूस से अतिरिक्त फौज मंगाई है। बी चिन्ह वाले बेलारूसी टैंक यूक्रेन की सीमा पर दिखाई दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने बेलारूस के साथ अच्छी तरह से परमाणु हमले की तैयारियां कर ली है। किंजल मिसाइलें बेलारूस से यूक्रेन पर हमला करने के लिए तैयार हैं, जबकि रूस से मिले परमाणु हथियारों के साथ बेलारूस और रूसी सेना के टॉप कमांडर साक्षात हमला करने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन और बेलारूस सीमा पर बेलारूस ने 1,00,000 सैनिक पहुंचा दिए हैं। अब यूक्रेन और बेलारूस के बीच 1,084 किलोमीटर सीमा पर भयंकर जंग की पूरी तैयारी हो चुकी है। इधर यूक्रेन ने कहा कि यदि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने सैनिकों को नहीं रोका तो बेलारूस के सैन्य अड्डे और सप्लाई मार्ग पर यूक्रेन हमले शुरू कर देगा। कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिरस्की ने दावा किया है कि कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और दुश्मन बड़ी कीमत चुका रहा है। इधर बेलारूस ने यूक्रेन की उत्तरी सीमा के पास गोमेल क्षेत्र में स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस हथियारों और सैन्य उपकरणों सहित बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है। खबरों के मुताबिक 18 अगस्त को सीमा पर 1,20,000 से ज्यादा सैनिक पहुंच चुके हैं। रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर ये चाल क्यों चली है, जरा इसे भी समझ लीजिए। असल में यूक्रेन को नेटो से F-16 के साथ साथ घातक मिसाइलें और एयर डिफेंस नेटो से मिल चुके हैं, जिनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ हो रहा है। कुर्स्क में यूक्रेन ने नेटो से मिली मिसाइलों से भारी तबाही मचाई है। एक अनुमान के मुताबिक 6 अगस्त से अब तक हर रोज यूक्रेनी हमले में 600 रूसी सैनिक मारे गए हैं और यूक्रेन के इन हमलों के पीछे नेटो और अमेरिका के घातक हथियारों का हाथ माना जा रहा है, जो अब रूस को तीसरे विश्व युद्ध के लिए मजबूर कर रहे हैं। इधर पुतिन ने अपने टॉप कमांडरों के साथ मॉस्को में मीटिंग की है, क्योंकि रूस को खबर मिली है कि यूक्रेन ने बहुत भारी संख्या में मिसाइलें बनाना शुरू कर दी है, जबकि अमेरिका और नेटो सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए रूस को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में हैं। इसीलिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पश्चिमी देशों को धमकाया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है, किसी न किसी पश्चिमी देश में परमाणु हथियार सौंपे गए हैं। वास्तव में ये धोखा है। अमेरिका स्पष्ट रूप से तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है। भगवान न करे, अगर ऐसा होता है तो ये विशेष रूप से यूरोप को प्रभावित करेगा। खबरों के मुताबिक रूस ने कुर्स्क में घुस करके यूक्रेनी सेना पर ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट और तोपखानों से बड़े हमले दोबारा शुरू कर दिए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो को देखिए। लैंसेट अटैक ड्रोन द्वारा एक यूक्रेनी टैंक को निशाना बनाया जा रहा है। इस वीडियो में जोरदार धमाका होता है और यूक्रेनी टैंक तबाह हो जाता है। फॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी सेना कुर्स्क में फंस चुकी है और रूसी सेना चारों तरफ से उसे घेर कर मार रही है। इसीलिए यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क एटमी संयंत्र को टारगेट बनाया ताकि रूस को डराया जा सके। लेकिन हकीकत में पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ 32 नेटो देशों को एटमी धमकी दे दी है। दावा किया जा रहा है कि रूस नेटो के 32 देशों से एटमी जंग कर सकता है और उन्हें तबाह कर सकता है। अब देखना होगा यूक्रेन का अगला कदम क्या होता है।